नमस्कार। श्राधा सरसधारिणे नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजं नमामि। आज श्री हनुमान जयंती के महोत्सव पर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मैं नम्रता शर्मा आप सभी को बधाई देती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ, उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने श्री हनुमान जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामना संदेश दिया है और सभी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि श्री हनुमान जी स्वयं भव भय रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, जो असंभव को संभव और संभव को असंभव कर दिखलाने वाले हैं। तीनों लोकों में जिनकी गति अबाध है और जिनके स्वरूप का ध्यान ही स्वतः श्री राम को हृदय में बसा देता है, अपार बल वाले श्री हनुमान जी जिनकी रोमावली बिजली की रेखा के समान जगमगाती है और जिनका मुख उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर है और जो शत्रु रूपी मदमत्त हाथियों के दल को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हैं। डॉक्टर गर्ग ने महाभारत के युद्ध का स्मरण कराते हुए कहा कि अर्जुन के रथ की पताका पर बैठ हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की रक्षा की। इसका दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो सारथी हैं, तो पहले आप उतरिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नहीं, अर्जुन को ही रथ से उतरना होगा। यहां ये नियम लागू नहीं होता कि सारथी पहले रथ से उतरेगा। और अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात जब भगवान कृष्ण रथ से उतरे तो श्री हनुमान जी भी पताका पर से हट गए और देखते ही देखते अर्जुन का वो रथ अग्नि के मुख का ग्रास हो गया। तो अर्जुन के मोह को भंग करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनका रथ श्री हनुमान जी के ही कारण बचा हुआ था, वरना तो ये कब का जहरीले बाणों की का शिकार होकर और कब का ये रथ जल चुका था। भीमसेन, अर्जुन और गरुड़ के अहंकार को हरने वाले श्री हनुमान जी ने कौरवों की सेना के नाश का जो मुख्य कारण बने और हनुमान जी विभिन्न बाधाओं का नाश करने वाले हैं। और डॉक्टर गर्ग ने ये याद दिलाते हुए सभी को कहा कि श्री हनुमान जी ही महामारी आदि क्लेशों का नाश करने वाले हैं। यहां हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे और ध्यान देने की बात यह है कि विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान जी के आदेश पर की थी। तुलसीदास जी कहते हैं, जयति मंगलागार संसार भारापहर वानराकार विग्रह पुरारी राम रोषानल ज्वाल माला मिश ध्वांत चर सलभ संहारकारी जयति मरुद अंजना मोद मंदिर नतग्रीव सुग्रीव दुखैक संबंधो यातु धानो धत्त क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुर सज्जनानंद संभो जयति रुद्राग्रणी विश्व वंद्याग्रणी विश्व विख्यात भट्ट चक्रवर्ती साम गाताग्रणी काम जेताग्रणी राम हित राम भक्तानुवर्ती जयति संग्राम जय राम संदेश हर कौशला कुशल कल्याण भाषी राम विरहात संतप्त भरतादि नरनारी शीतल करण कल्प शाशी जयति सिंहासन सीन सीता रमण निरखि निर्भर हर्ष नृत्यकारी राम संभ्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर विहारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम राक्षस रूपी पतंगों को भस्म करने वाली श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालमाला के मूर्तिमान स्वरूप हो। तुम राक्षसों के कराल क्रोध रूपी प्रलय काल की अग्नि का नाश करने वाले और सिद्ध देवता तथा सज्जनों के लिए आनंद के समुद्र हो। तुम साम देव का गान करने वाले
और कामदेव को जीतने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम श्री राम जी के हितकारी और श्री राम भक्तों के साथ रहने वाले हो। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी, मातु पिता गुर गणपति सारद सिवा समेत संभू सुख नारद, चरण बंदी बिनवो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु, बंदौ राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम सनेही। पवन कुमार श्री हनुमान जी कल्याण के मूर्ति हैं, वे सारी बुराइयों की जड़ को काटने वाले हैं, पवन के पुत्र हैं, संतों का हित करने वाले हैं। अवध बिहारी श्री राम जी सदा इनके हृदय में विराजते हैं। डॉक्टर गर्ग ने संपूर्ण मेट्स परिवार से आग्रह किया कि वो निश्चयात्मक सोच को अपनाए। उन्होंने सभी से कहा कि सभी मिलकर आज हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि वे इस कोरोना महामारी से सभी की रक्षा करें, इस संकट से सबको उबारें। कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कला के साथ साथ घटता जाता है, उसी प्रकार ये कोरोना महामारी का प्रभाव भी घटता चला जाए और पूर्णतः अस्त हो जाए। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस पी अग्रवाल, महासचिव श्री टी आर गर्ग, इन सभी ने भी श्री हनुमान जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और सभी से मनोबल बनाए रखने की अपील की है। जैसे कि हमने आपसे पहले भी साझा किया था कि महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मानव कल्याण, देश कल्याण और प्राणी मात्र की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए गौरव की बात है कि सभी ट्रस्टीज अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी इंडस्ट्रीज और फर्म्स के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में देश सेवार्थ आर्थिक योगदान कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी श्री अजय सिंघल ने ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में 2 करोड़ की राशि जमा करवाई और हम सभी ट्रस्टीज से ये आग्रह करते हैं कि वे देश सेवार्थ जो भी आर्थिक योगदान पीएम केयर्स फंड में कर रहे हैं वो हमसे भी साझा करें, ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के साथ ये शेयर कर सकें। बीच प्रसन्नता की बात ये है कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेटा क्वेस्ट सर्वे 2020 में नॉर्थ जोन टॉप टी स्कूल्स सरकारी तथा गैर सरकारी वर्ग में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है और ओवरऑल इंडिया में प्राइवेट संस्थानों की लिस्ट में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 8वां स्थान अर्जित किया तथा ओवरऑल सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के वर्ग में 17वां स्थान प्राप्त किया है। प्रोफेसर नीलम शर्मा, निदेशक महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स को बधाई दी है तथा उनसे कहा है कि वे धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। प्रोफेसर नीलम शर्मा ने सभी को मनोबल बनाए रखने के लिए कहा है और इस बाबत उन्होंने विद्यार्थियों के लिए खास तौर से मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां शेयर की हैं, जो इस तरीके से हैं कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता सब उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को। प्रोफेसर एसएस देसवाल डीन एकेडमिक्स ने बधाई संदेश देते हुए कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर अ ग्रेट अचीवमेंट एंड होप टू अचीव मोर इन द फ्यूचर। थैंक्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन शोन टूवर्ड्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट एंड हायर अथॉरिटीज फॉर देयर काइंड सपोर्ट एज एंड वेन नीडेड। प्रोफेसर देसवाल ने सभी का मनोबल बढ़ाते हुए एक संदेश हमसे शेयर किया है, वी आर ऑल इन द सेम बोट इन अ स्टॉर्मी सी, इन दिस क्राइसिस सिचुएशन वी ओ ईच अदर अ टेरिबल लॉयल्टी। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसेस बट नॉट इन हार्ट, हेल्प ईच अदर टू बी सेफ। प्रोफेसर देसवाल ने सभी विद्यार्थियों और सभी फैकल्टी मेंबर्स को कहा है कि वे अपना मनोबल बढ़ाए रखें, उत्साह को बनाए रखें और अपने अपने काम पर ध्यान दें। प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता निदेशक मेंस ने हमसे साझा किया कि मेंस की सभी फैकल्टी 18 मार्च से ही ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के माध्यम से ले रही है। वहां के सभी विद्यार्थी और सभी टीचर्स एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं और वहां पूरे टाइम टेबल को फॉलो किया जा रहा है। प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता ने सभी को ये संदेश देते हुए कहा है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हम कोरोना महामारी से ये जंग जीत जाएं। ओ लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। डॉक्टर गर्ग ने संपूर्ण मेट्स परिवार से यह अपील की है कि मेट्स का प्रत्येक सदस्य प्रार्थना में शामिल हो और अपने हृदयस्थ प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे लगातार यही प्रार्थना करें कि हम कोरोना वैश्विक महामारी से ये जंग जीत जाएं, हम जल्द ही इससे निजात पाएं और कोरोना से जूझ रहे कमांडोज का हम प्रत्येक दिन धन्यवाद करें। डॉक्टर गर्ग ने सभी से अपील की कि सभी अगर मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत बल है और हम इस जंग में जल्दी ही विजय हासिल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। इसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई।